बहुत अच्छा मनोरंजन मनोरंजन के नाल नाल अच्छा गीत संगीत आ अच्छी कॉमेडी आ सरदूल भाजी करमजीत अनमोल होर की अमर नूरी जी की नाल एक अच्छी कहानी है जिहड़ी चल रही है जिहड़ी तुहाडी मेरी सब दे घरां दी कहानी अज दे समें च क्योंकि हरेक दा कोई ना कोई बच्चा बाहर पढ़न गया कोई माँ बाप जिहड़ा डीक रहा घरवाली मेरी मिस हरमन की बेचारी की शिकायत ही है तू कनेडा आउंदा नहीं तू रहना ही पंजाब च मैं तो यही विश करदा कि एक अच्छा जिहड़ा सीएम की सोच जिहड़ी वो पंजाब नूं बेहतर बनावे जी ये साडी सब दी विश है कई चंगे जिहड़े खांदे पींदे परिवार आ वो पी आर दी डी कर रहे आ सो एक कहानी जिहदे नाल तुसीं सारे रिलेट करोगे तुहाडी सारयां दी जिंदगी दे विचों कोई ना कोई गल इस फिल्म दे विच तुहानूं अपनी लगूगी बेशक एक आम परिवार तो उठिया भगवंत मान साहब ते बट असी बहुत 93 तो लैके 2004-5 तक 6 तक असी बहुत नेड़े रहे असी जिन्हां दे उम्मीदां रखियां फेर गए बदल गए अखियां पर कोई ऐसे भी है जिन्हां तो कोई उम्मीद कदे उन्हां नाल ऐसी सी नहीं पर वो ऐसा डट के नाल निभे सो पी आर फिल्म जिहड़ी आ रही है उसकी चर्चा इन्नी ज़्यादा हर घर दे विच हो रही है क्योंकि उही पंजाब उही कॉन्सैप्ट जिसके लिए शायद सारे कितने ना कितने तरसे पे सी सो सिनेमा घरां दे विच दुबारा वेखांगे सो हरभजन मान जी साडे नाल है सर सत श्री अकाल पहले ते सत श्री अकाल जी सारे नूं बहुत सत्कार प्यार बहुत मेहरबानी सर घरां च आवाज़ आ रही है भी बीबे पुत्ती फिल्म दोबारा वेखांगे बीबे पुत फिर तो आ रहे ने लेकिन मैं जानना चाहवांगी कि सर एक एग्जाम तो पहले वाली जिहड़ी एक हैजिटेशन हुंदी है एक नर्वसनैस हुंदी है एक कलाकार नूं सेम उही हुंदी है और तुसीं जिहड़ा कॉन्सैप्ट लैके आ रहे हो इहदी हिम्मत हमेशा तुसीं ही कीती है मुड़ तो भी तुसीं कर रहे हो एक दिन रह गया की फील तुहाडे अंदर चल रहा है बहुत कुछ चल रहा जी कि बहुत मेहनत कीती है बहुत जी जान दे नाल फिर दोबारा तो सारा टीम नूं इकट्ठा किया तो बड़ी मेहनत नाल सारिंग फिल्म्स एचएम रिकॉर्ड्स सब ने बहुत जान लाई है तो मैं आस करदा कि एक सानू भी वो मालिक इज्जत रखे तो स्रोते जिहड़े फिल्म नूं प्यार देन जी दर्शक प्यार देन फिल्म नूं इहदे नाल साडा हौसला वधू तो एक बार फिर मनमोहन सिंह हरभजन मान एक्टिवली जिहड़े होर फिल्म बनाउणगे तो सो थोड़ा जिहा है फिकर सब आर्टिस्ट के दिमाग दे विच हुंदा जी सर कहिंदे आ वी अजकल घरां दे विच रिश्तेदारां नूं वी इकट्ठा करना बहुत औखा हो गया सारे इन्ने दूर हो चुके ने लेकिन हरभजन मान जी फिर तो उस टीम दे नाल आए ने एंड कैनेडा दे विच कमलजीत नीरू मैम रहिंदे ने उन्होंने भी कहा सो सारिआं दा कहना यही है कि असीं सारिआं ने इक्को वार च हाँ करती लेकिन कोई इहो जिहा है जो शायद किते ना किते नहीं जुड़ पाया लेकिन तुसीं चाहुंदे सी वी ओह जुड़न लेकिन नैक्सट फिल्म दे विच तुसीं कोशिश करोगे मैं की कहना जी जिन्हों तो असी जिन्हों तो उम्मीदा रखिया मुख फेर गए बदल गए अखिया तो पर कोई ऐसे भी है जिन्हों तो कोई उम्मीद कदे उन्होंने ऐसी सी नहीं पर वो ऐसा डट के नाल निभे बट ओवरऑल ये लाइफ है जिंदगी है सब दे अपने रुझेवे हैं जी तो बट असी बहुत जी जान नाल बहुत मेहनत नाल अज की तरीक अज के समय का पंजाब का सब तो वड्डा सबजैक्ट आ तो जिमें मनमोहन जी की एक कंप्लीट फिल्म होंदी है फैमिली दे लई उहदे विच बहुत अच्छा मनोरंजन मनोरंजन दे नाल नाल अच्छा गीत संगीत आ अच्छी कॉमेडी आ सरदूल भाजी करमजीत अनमोल होरां दी अमर नूरी जी दी ते नाल एक अच्छी कहानी है जिहड़ी चल रही है जिहड़ी तुहाडी मेरी सब दे घरां दी कहानी अज दे समें च क्योंकि हरेक दा कोई ना कोई बच्चा बाहर पढ़न गया कोई माँ बाप जिहड़ा डीक रहा कई चंगे जिहड़े खांदे पींदे परिवार आ वो पी आर दी डी कर रहे आ सो एक कहानी जिहदे नाल तुसीं सारे रिलेट करोगे तुहाडी सारयां दी जिंदगी दे विचों कोई ना कोई गल इस फिल्म दे विच तुहानूं अपनी लगूगी तो मेरी आस आ तुसीं फिल्म नूं ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿਓਗੇ ਮਾਰਕਸ ਦਿਓਗੇ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਲ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਜਾਣੋ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਵੇ ਜੀ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ
पर गल ये है कि जेड़ा नहीं जाना चाहता वो इतने कोई अपॉर्चुनिटीज तो हो ना। अजक बच्चा तुसी मैं कई दफ़ा बाहर गया, मैं अवकाश नाल काफ़ी जो इंग्लिश वड्डे साढ़े उत्थे कैनेडा के चैनल ने, चाहे वह CBC या CTV, उन्होंने मैं जान का मौका मिलया। तुसी मैं किसी भी तरह उस उन्हां एंकर्स नालों होस्ट नालों तुसी घट नहीं, तो उस तरह अलग अलग खेत्र के साढ़े बच्चे अज दे ब्रिलियंट माइंडस, उन्होंने कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं जी उन्होंने किसी टैलेंट उन्होंने रोक सकती है, हर चीज़ बारे उन्होंने समझ है। तो बट वो उस तरह के प्लेटफॉर्म्स वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है ना। तो अज बच्चा वो बच्चे है कि जेडे आपके ड्रीम्स लिए उन्होंने कॉन्फिडेंस है, वो डारी मारन वो सब चैलेंज फेस करने लिए रेडी है, जिड़ी कि शायद पहला अज तो 20-25 साल पहला जोड़ा वो नहीं सी। ते सो मेरी तो यह इच्छा गई जी कि पंजाब दे विच जिहड़ी सरकार आ सब तो देखो वड्डा रोल जिहड़ा स्टेट का जिहड़ा मूँह महांदर आ किस तरह का वो सरकार ने बनाउणा गा जी, सरकार की पॉलिसीज ने बनाउणा गा, उस बाद बाकी गल्लां बाद चक गायक कह गा के ओनली सो मच आई कैन से फिल्म दे विच उन्ना कि मैं कह सकदा, पर वो लाइफ स्टाइल वो सारियां अपॉर्चुनिटीज देनियां लोगों नूं वो सरकारां ने देनियां जी। तो आई होप कि एक कलाकार मुख्यमंत्री बनया, कलाकार जज्बाती हुंदे आ, कलाकार लोगों के नेड़े हुंदे आ, उस तों उठ के आए आ काम करदा मुंडा। तो बाबू सिंह मान साहब नाल तो उन्हां दी अक्सर गल हुंदी आ, कदे कदे मेरे नाल हो जाती है जी। तो मैं तो यही विश करदा कि एक अच्छा जिहड़ा CM दी उह सोच जिहड़ी उह पंजाब नूं बेहतर बनावे जी, ये साडी सब दी विश है जी। जी सर कह रहे से भी न्योता भी गया एक बाकियों के लिए CM, लेकिन साढ़े लिए साढ़े मित्र कि फिल्म के प्रीमियर तो जरूर आने यहोजे कॉन्सैप्ट होर उन्होंने वालों भी सपोर्ट मिलनी चाहिए है। तो सची नाल दी सीट दे विच असीं देखांगे कि वह बैठ के फिल्म भी वेख सकते हैं। मेरे वालों इस तरह की कोई कन्फर्मेशन नहीं जी कि वह फिल्म च उन्होंने प्रीमियर देखना आना या नहीं आना। CM दे अपने रुझेवे होंगे, मित्रता एक अपनी जगह, अज जे मैं कह कि भगवंत मान उही आ उस तरह है वो नहीं, उहदियां बहुत लाइफ स्टाइल चेंज नहीं, वो जिहड़ी कुर्सी ते बैठे जिहड़ी ड्यूटी ते बैठे उहदियां बहुत वड्डियां जिम्मेवारियां, और पंजाब दे अगे जिहड़ियां मुश्किलां जिहड़ियां पहाड़ जिड्डियां मूँह टड्डी खड़ियां, तो मेरा ख्याल है कि कोई वो आ सकते हो बहुत चंगी गल, नहीं आ सकते आई अंडरस्टैंड हिज टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल। दैट्स वेरी ट्रू सर। एक चीज़ असी चाहते हैं तुहाडे कोलों, क्योंकि तुसी हमेशा पंजाब नू सिनेमा विच लैके आंदे हो, पहले असी देखदे सीगे साडा पंजाब, पर अज असी साडा पंजाब सिर्फ फिल्मां तक सीमित वेखदे आ, फिल्मां च वेखण नू मिलदा पंजाब च पंजाब वेखण नू नहीं मिलदा। जिस तरह की सांझ तुहाडी आपस दे विच हैगी है, कि कुछ इहो जिहे मुद्दे जो हजे भी दब्बी बैठे ने तुहाडी फिल्मां दे जरिए वो आने वाले टाइम दे विच बाहर आ सकते हैं, जे तुहाडी ते CM साहब की डिस्कशन की गल कर लिए पंजाब दे इशूज़ नू लैके। नहीं मैं कोई मेरी सच्ची कि पॉलिसी मैटर तो ना ही मेरी, हाँ मेरे नाल थोड़ा बहुत गलबात जो होंदी है जरूर, मैं जिमें कहा कि मैनू एक टाइम तो ऐसा सी कि मैं बहुत नेड़ों रहण दा वाचण दा बहन उठण दा जब दिन रात कट्ठे सी मिलिया, हुण मैं सी मैं इन्ना समझदा कि वो मैच्योरिटी कह लो या मेरा आपदा लाइफ दा एक्सपीरियंस आ कि मैं लोड़ तो वध ना कदे किसी तो एक्सपैक्टेशन रखी हाँ, ना हर बंदे दी एक मजबूरी है, वह हर एक वो उस वक्त की जड़ी वो मोमेंट विच है या जड़ी वो दी उस वक्त कमिटमेंट है जिम्मेवारी है उहदे च उहदियां अपने चैलेंजेस ने अपनियां मजबूरियां ने। उन्हां कोले बहुत ब्रिलियंट माइंड, वो खुद आप बहुत ब्रिलियंट माइंड है, मैं कह सकदा कि बेशक वो एक आम परिवार तो उठिया भगवंत मान साहब, तो बट असी बहुत 93 तो लैके 2004-05 तक 06 तक असी बहुत नेड़े रहे, तो मैं देखा कि हाउ हिज माइंड वर्क्स। तो मैं एको गल मैं थां थे गल पूछी जाती है, मेरी फिल्म बारे गल घट होंदी है तो गल CM वाल चली जाती है, बट चलो डजन मैटर, अज साडी स्टेट का वो मुखी है, साडा मेन जिहड़ा धुरा साडा उस सूबे का। अज मैं एक गल कहना कि मैनू भगवंत मान होरां दी नीयत या कमिटमेंट ते कोई शक नहीं, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं, ते बाकी गिवन द चैलेंजेस कि वो की कर पाउंदा नहीं कर पाउंदा वो जिहड़ा समां दस्सो समें दी कुख विच आ,
परिस्थितियाँ हालात उन्होंने अलाउ कर दियाँ वो चीज़ा सब जो थोड़े तो दिमाग में है इतों बैठे वो कुर्सी होर नज़र आँदी है वो जो उधर बैठा वो कैमरे की अख ना होर नज़र आने जी। सो एक गल बस मैं यही कहना कि जिन्ना क मैं जानता मैं नेड़ो बहुत जिहड़ा मैं दस्या था नो टाइम जो 93 तो लैके 5-6 तक मैं बहुत नेड़ो रहा दिन रात दियाँ सांझा वागू पर वो कमिटमेंट हैगी क्योंकि एक बंदे का की होंगे ना तुसी के तुसी हरभजन मान नूं कहिंदे हो कि यार परिवारक गायक है जां उहदा कारण है कि जो तुसी 92 तो मैं मकबूल होया लोगों च मेरी एक्सैप्टेंस हुई उदों तो तुसी मेरा काम देख लो। सो तुहाडी तुसी चाहे मैं इत्थों छोटे हो बाद दी जनरेशन तुहानूं इक पता कि बंदे का इस तरह का काम जी, जी, सो सेम गोज विथ द सीएम साहब क्योंकि उन्हां दा 92 वेले दियां एल्बम्स वो मेरे तो 6 महीने पहला हिट हो गए से कुल्फी गर्मा गर्म मेरी 6 महीने बाद चिट्ठी नहीं चिट्ठी आई तो सो वह काम देख लो कि एक जगह कॉमेडी कित कंप्रोमाइज नहीं डबल मीनिंग नहीं हमेशा अच्छा सैटायर या समाज पर है या पॉलिटिक्स पर है सिस्टम पर है तो वह चीज़ों मुख रख के मैं पक्का कह सकता कि उन्होंने नीयत आ गई कि पंजाब बेहतर बने एंड आई थिंक ही विल डू एवरीथिंग इन हिज पावर के एक टू मेक पंजाब बैटर। लेकिन हुण जेकर मान साहब तुसी वापस आ गए हो इंडस्ट्री विच ते असी तुहाडे कोलो तां उम्मीद रख सकते हैं ना कि तुसी हुण पंजाब दे दब्बे वो इशूज़ जिहड़े होने चाहिए आ पंजाबी सभ्याचार नाल जुड़े फिल्मां जरिए लैके आऊंगे। देखो मैं हमेशा कमिटेड हाँ जी पंजाब नूं मेरा कोई मेरे ते कई कह दिंदे आ जी तेरा पॉलिटिक्स दे विच मन जां है मैनूं बहुत शौक है पॉलिटिक्स का बहुत शौक नाल मैं अखबारां हमेशा ही मैं अपने आप नूं इशूज़ ते हर चीज़ ते मैं अपडेट रखिया अपने आप नूं क्योंकि सियासत हर बंदे नूं प्रभावित करदी है साडी हर रोज़ की जिंदगी दे विच ते मेरे उस्ताद कहिंदे हुंदे सी पार साहब कि बंदे नूं पता होना चाहिए मेरे आले दुआले की वापर रहा है तो असी कल्ले गायक नहीं असी समाज विच विचरदे हां सानूं पता होना चाहिए समाज में की हो रहा किहड़े बंदे दी की जगह की कर रहा की नहीं जां उहनूं करना चाहिए तो मैं ये समझा कि हमेशा मैं कला दे विच गायकी फिल्मां दे विच मैं एक बैटर जिहड़ा योगदान पा सकदा तो सो मेरे वल्लों कोशिशां हमेशा ही रहियां जी जद गल्लां गोरियां चलदियां सी तां नाल दी नाल मैं सतरंगी पिंग भी करदा सी मेरा अच्छे एक म्यूजिक लेबल दे विच अच्छे प्रोडक्शन हाउस च मेरा जब थोड़ा जिहा भी पैर धरन दा मैनूं जगह मिल गई उन्हां तों मैं जीआं नूं फिल्म करवा ली तो उहदे नाल एक इंडस्ट्री खड़ी। सो मेरियां विथ फुल सिंसैरिटी हमेशा मेरी कोशिश आ कि पंजाबी दा सही जिहड़ा विरासत आ जिहड़ी पंजाबी दी सही गायकी आ जिहड़ा पंजाबी असल जिहड़ा मिट्टी दा गीत संगीत आ उह जिउंदा जागदा रहे उहदे लई मैं हमेशा ही मरदे दम तक कोशिश करता रहूँगा जी। सो कैनेडा का गेड़ा तुसी कढ आए हो हुण हुण सिनेमा घरां दे विच वेखणा इह है कि वह कैनेडा का जिहड़ा गेड़ा है वह किवें दा रहा गुलाब सिंह जी किहो जिहे ने फिल्म दे विच गेड़ा कढा है वैसे काफ़ी देर हो गई मैं हाँ जी और एक बहुत सारे लोगों नूं अजे भी भुलेखा मैं कैनेडा रहिंदा मैं इत्थे नहीं रहिंदा मैं घर वाली मेरी मिस हरमन की बेचारी की शिकायत ही है तू कैनेडा आउंदा नहीं तू रहिंदा ही पंजाब च। सो हुण आ फिल्म तो बाद थोड़ा फ्री हो लीए जी कि फिल्म का सही रिजल्ट आवे हाँ फिर आई उन्हें टाक टेक फ्यू मंथ्स ऑफ फिर अगस्त तो मेरा टूर है जी नेक्स्ट फिल्म भी मन जी नाल प्लान है सो गॉड विलिंग सही सोहने रिजल्ट आने तो फिर थोड़ा होर हिम्मत नाल अगली फिल्म पर काम करांगे तो नहीं अदरवाइज मैं बहुत एक्सपीरियंस है डिग डिग के बंदे नूं हिम्मत हारनी चाहिए लगे रहना चाहिए था। जी सर लास्ट एंड लीस्ट असं जानते हैं कि सारंग फिल्म्स एंड तुहाडा जिहड़ा प्रोडक्शन हाउस उस ते बैनर हेठ फिल्म बनाई गई है और म्यूजिक भी इन्हां वालों किया गया है ना तो अवकाश के नाल की प्लानिंग्स चल रही ने हुण अवकाश नाल काफ़ी हाँ जी प्लैनिंग्स अवकाश नूं मैं पहला चाहुंदा सी कि उह इत्थे पूरा विचर के जिहड़ा समझ लवे सारा नेड़ों हालांकि ये कदे भी ये भी शायद थोड़ा बहुत किसी नूं होवे डाउट अवकाश इत्थे पढ़िया बहुत लम्मा समां YPS मोहाली पढ़िया तो एक थोड़ा जिहा हैगा कि फिर भी एक मेरा लाइफ का तजर्बा बेशक मैं उन्हूं आजाद छड्डिया वे उहदे मम्मा ने मैं पर फिर भी एक मेरे नाल विचर के एक एक्सपीरियंस तो तुहानूं मिलदा ही है तो नाउ आई फील ही इज़ रेडी तो बहुत जल्दी तुहानूं हर रंग चो नज़र आऊगा जी। जी सर सेम एक्सपेक्टेड उन्हां तों एंड सेम विश फॉर यू। मैं कई ना अक्सर ये सोचा जाता भी सैलीब्रिटी के बच्चों बहुत औखा एंड समटाइम्स आई फील सॉरी फॉर हिम
कि सेम के सब नू एक्सपेक्टेशन है कि वो एकदम आवे तो बस सरभजन मान हो पर हरेक की अपनी जर्नी होंगी है जी है ना हरेक का आपका चॉइस है एक तुहाडी इच्छा वो मैं एक जड़ा खेमूआने का आम घर का बच्चा सी जड़ा तप्पड़ा दे बैठ के पढ़िया तो वो जड़ा उन्हें पूरी दुनिया यूनिवर्सिटी दुनिया दिया दे विच वो गया पढ़ाई की है तो सो इन्नी आज़ादी मैं समझता हरेक माँ बाप नू बच्चे नू देनी चाहिए है। हाँ ये है कि वो जिम्मेवार होना उन्होंने पता हो राइट रोंग का कि मैं किहड़े राह जाना या जिन्ना कि मेरा फैमिली की मेरा पिछोकड़ा कितों मैं आया सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि वो हर तरह का रंग अपना एक नवा रंग यह जरूर है कि उन्हें साडे नाल प्रॉमिस किया कि मैं कदे गाने विच वल्गैरिटी या वायलेंस इस तरह दी मैं चीज़ा गाने च नहीं करूँगा सो अदर दैन दैट आई एम वेरी हैप्पी जो कर रहा गॉड ब्लेस हिम सर हुण पीआर आ रही है तो मैं लगता अपनी गलबात फिल्म देखने तो बाद ही असी करांगे क्योंकि की करैक्टर्स है की इमोशन एंड फ्लेवर्स है मैं फीडबैक मिले मैं पता लगे कि तुसी तानू किवें लगे तुहाडे नाल बैठ के वेखनी है उत्थे मिलांगे उत्थे गलबात करांगे शुक्रिया एंड बहुत दुआवां थैंक यू सो मच जी साढ़े नाल सीगे हरभजन मान जी कल फिल्म आ रही है एंड फिल्म देख के पता लगेगा कि हुण ओ जो उम्मीदां लगाईयां जा रही ने ओ किन्नियां कु ज़्यादा खरी उतरी है टीम मैनू यकीन है कि जदों भी मंजी कुछ लैके आते हैं जदों भी हरभजन मान जी कुछ लैके आते हैं तो वह जिहड़ी चीज़ हुंदी है वह पंजाब नाल जुड़ी हुंदी है जो सानू साढ़े पंजाब नाल मिलवाउंदी है सो पंजाब नू मिलन दे लई एंड उस नौजवान पीढ़ी को मिलने के लिए जिन्हों के अंदर एक इश्क है एक चाहत है बाहर जाने की लाइफ है की स्ट्रगल है सब कुछ फ्रेम किया गया इनका फिल्म पीआर जरूर वेखांगे एंड उस तो बाद गलबात करांगे फिलहाल के लिए वेखते रहो सुने पंजाबी अपना तो अपना रखो ख्याल फिलहाल के लिए दो इजाजत सत श्री अकाल।